के उपलक्ष्य में बिना अनुमति के डीजे की तेज धुन पर रैली निकाल कर हवा में तलवार लहराकर सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार 19 फरवरी को हिंदवी साम्राज्य ग्रुप की ओर से शिव जयंती के उपलक्ष्य में बिना अनुमति रैली निकाली गई थी, जिसमें करीबन 60 से 70 बाइक सवार शामिल हुए थे और डीजे की व्यवस्था भी यहां की गई थी। ये रैली जब शहर के अलग अलग रास्तों से होकर मोमिनपुरा के भगवा घर चौक के पास पहुंची, तभी 3 बाइक सवारों ने हवा में तलवार लहराना शुरू कर दिया और इस दृश्य को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, जिसका पता 21 तारीख को पुलिस प्रशासन को लगते ही तहसील पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लेकर रैली के आयोजक अंकित पंचबुदे, आशीष आम्बोले तथा डीजे आदित्य सिंगन जुड़े, राकेश शाहू एवं तलवार लहराने वाले आरोपी कुंदन तायवाड़े, रजत आम्बोलीकर, योगेंद्र बागड़े, अर्पण गोलपे, अंकित पंचबुदे, आशीष अम्बोले, सुमित तांबे इत्यादियों को हिरासत में लेकर अलग अलग धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जाँच तहसील पुलिस कर रही है। दिनांक 19 फेब्रुवारी 2023 रोजी शिवजयंतीच्या दिवशी तहसील पोलीस ठाण्याच्या आधीमधील मोमिनपुरा चौक ते भगवागर चौक या परिसरामध्ये एक बाईक रॅली गेल्याचा व्हिडिओ आम्हाला आमच्या खुफिया विभागाकडून प्राप्त झाला। ते सदरचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याकारणाने त्याची आम्ही माहिती घेतली असता त्याच्यामध्ये असं दिसून आलं की एक हिंदवी साम्राज्य ग्रुप पार्डी या ठिकाणचा हिंदवी साम्राज्य ग्रुप आहे, त्या ग्रुपचे काही कार्यकर्ते आयोजक यांनी एक 60-70 बाईक त्याच्यासोबत बाईक स्वार अशा प्रकारची रॅली पार्टी येथून निघाली होती। ती रॅली वेगवेगळ्या मार्गातून ती तहसील हद्दीमध्ये मोमिनपुरा चौक ते भगवागर चौक त्यातून पुढे आग्रसेन चौकातून ती कोतवाली विभागाच्या मध्ये दाखल झाली होती। सदरच्या रॅलीमध्ये जे बाईक स्वार होते त्यांच्याकडे काही तलवारी होत्या, 2 बाईक स्वार त्यांच्यावर तलवारी ते फिरकावत मोमिनपुराच्या जामा मस्जिदच्या परिसरातून गेल्याचा व्हिडिओ आम्हाला समोर आला होता। त्याचा आम्ही अवलोकन केले, CCTV फुटेज प्राप्त केले, त्याच्यातल्या लोक आणि बाईक स्वारांनी त्यांची नावं निष्पन्न केली, त्या अनुषंगाने आम्ही शासनातर्फे फिर्याद देऊन अपराध क्रमांक 154/23 कलम 148, 143, 147, 149 त्याचबरोबर आर्म्स ॲक्ट कलम 425 त्याचबरोबर महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 135 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आणि गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता माननीय पोलीस उपायुक्त झोन 3 सर, विशेष शाखा पोलीस उपायुक्त खेडकर मॅडम, त्याचबरोबर आम्ही स्वतः जातीने लक्ष घालून सदर आरोपींना आम्ही 6 आरोपींना आम्ही तात्काळ अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपींना आज अटक करून माननीय न्यायालयासमोर हजर करून पुढील कारवाई करत आहोत। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।